मयंक देख हर्षित है ना, चल इसके मजे लेते हैं। चल चल। और हर्षित खटारा, क्या हाल है तेरे? ओ सॉरी सॉरी, मैं तो तेरी साइकिल को बोल रही थी। इसको भी बोलने की तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी तो इसी की साइकिल है। ये तो खटारे जैसा ही है। सेम सेम ही लग रहे हैं वैसे भी। अरे दिशा मयंक, इतने दिनों बाद, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी नहीं गई है। अबे मजाक नहीं, हम तेरे को ही खटारा कह रहे हैं, तू तो है ही खटारा। मैंग मैंग, ये दोस्त हमारा है जिसके पास खटारा है। अरे वाह, ये तो राइमिंग बन गई यार। बड़ा मजा आया। अरे मयंग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम? अबे ओ धीरे बोल ले, हम तेरे कोई दोस्त वस्त नहीं है। किसी ने सुन लिया ना तो हमारी बेइज्जती और होगी। किस कबाड़ी के साथ घूम रहे हम यार? तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर तुम मेरे कॉलेज के दोस्त नहीं होते ना तो अभी बताता तुम्हें। अबे यार हर्षित, तू तो बुरा मान गया यार। लेकिन यार एक बात बताओ, तू ये खटारा सी साइकिल क्यों चला रहा है? कम से कम कोई ढंग का ऑप्शन चुन लेता यार। अबे अपने बाप से बोल के स्कूटी या बाइक ले लेता, क्योंकि कार चलाने की तो तेरी औकात है नहीं, कम से कम इज्जत ही बच जाती। लेकिन नहीं, तेरी बुद्धि में तो बात घुसती ही नहीं है। स्टार्टिंग से तुझे सब फटीचर कहते हैं, और ये खटारा सी साइकिल लेके तूने साबित भी कर दिया कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। नहीं 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 मयंक, ये गाड़ी तो चलाता है पर ख्वाबों में। ज़ूम ज़ूम। देख भाई हर्षित, बुरा मत मान, ये सब मैं तेरे फायदे के लिए कहता हूँ। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो इस खटारा साइकिल पे तो मैं कॉलेज कभी नहीं आता। तेरे से एक बात बोलूँगा, तू अपने बाप को बोल के ना एक अच्छी सी बाइक ले ले, वरना हमें क्या, हम तो चले तू रहे अपनी इस खटारा साइकिल के साथ। याद रखे हमारी बात। और बता शेखर बेटा, घर में सब ठीक है? हाँ जी अंकल जी, सब बढ़िया। आप बताएं कैसा सब कुछ? सब बढ़िया। अरे हर्षित, तू आ गया बेटा कॉलेज से? हाँ आ गया, आपको क्या? अरे कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? और कैसे बात करूँ आपसे? हर्षित क्या हो गया, तू अंकल जी से ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या नहीं हुआ भैया, आपको क्या बताऊँ, मेरे कॉलेज में जितने भी दोस्त है ना, उनके पास कार है, बाइक है, और मेरे पास है खटारा साइकिल। मैं खटारा साइकिल से कॉलेज जाता हूँ ना तो मेरी वहाँ पे बेइज्जती होती है। और इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने से पहले आपको सोच लेना था कि हमारी औकात इतनी की नहीं है। मैं साइकिल से जाता हूँ, मेरी वहाँ बेइज्जती होती है, आपको पता है? अरे बेटा शांत हो जा, उन लोगों के माँ बाप के पास पैसा है, वो अपने बच्चों को गाड़ी और बाइक दिला सकते हैं। अरे मैं तुझे कैसे पढ़ा रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। और बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुझे तो हमारे घर के हालात पता है ना, मैं तुझे अभी बाइक नहीं दिलवा सकता। पापा मैं आपका यहाँ कोई लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, एक बात आप भी सुन लीजिए, मुझे बाइक चाहिए बाइक, मैं बिना बाइक के कॉलेज नहीं जाऊँगा, समझे आप? और आप ये कहाँ से लाएंगे ये मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए, और अगर आपने ला कर नहीं दिया ना तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा, कभी नहीं आऊँगा वापस। अरे बेटा ऐसी बातें मत कर, अगर तू घर छोड़ के चला गया तो मेरा इस दुनिया में है ही कौन, मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा ना। हर्षित तुम शांत हो जाओ और एक लंबी गहरी सांस लो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तुम गुस्से में हो, और गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो जो भी डिसीजन लेता है वो गलत ही होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे पता है कि जब तक मैं इनसे बोलूंगा नहीं या ऐसी जिद नहीं करूंगा तब तक ये मुझे बाइक लाकर नहीं देंगे, और अगर ये मुझे बाइक लाकर नहीं देंगे ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हर्षित अभी तू बहुत ज्यादा गुस्से में है, तू ये सब कुछ छोड़, मैं दिलाऊंगा तुझे बाइक, लेकिन तुझे अपना पूरा एक दिन मेरे साथ बिताना होगा। हाँ अगर बाइक मिलेगी तो रहूंगा। तो फिर ठीक है, तो अभी मेरे साथ चलेगा। अंकल जी आप हर्षित की बिल्कुल चिंता मत करना, हर्षित को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, कल शाम तक मैं से घर ले आऊंगा। चला फिर तू, चल मेरे साथ। भैया आप तो मुझे घुमाए पे घुमाए जा रहे हो, मुझे बाइक मिलेगी या नहीं? हर्षित तुझसे क्या कहता, 24 घंटे चाहिए मुझे तेरे, अभी 24 घंटे हुए नहीं है, चल। अच्छा हर्षित, तेरे को आइसक्रीम वाला दिख रहा है? हाँ भैया। उस आइसक्रीम वाले का नाम है रोशन, और उसकी उम्र है बिल्कुल तेरे बराबर।
लेकिन वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है उस उम्र में जिस उम्र में उसे पढ़ना चाहिए था। तुझे पता वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर उसकी और उसके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है, उसके माँ बाप नहीं है। हर्षित तेरे को पता है एक बच्चे के सर के ऊपर जब माँ बाप का हाथ होता है तो वो बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप की दौलत नहीं, माँ बाप का तो बस आशीर्वाद ही काफी होता है। तेरे पिताजी तेरे लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन तू अपने पिताजी का, अपने अन्नदाता का अपमान करता है, उनसे उल्टा सीधा बोलता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे को बाइक चाहिए। चल बेटा, ये तो जिंदगी के बहुत सारे लेसन है जो तेरे को सीखने हैं। अभी तेरे को मैं और चीजें भी दिखाता हूँ। क्या भैया, आप मुझे एक घंटे से यहाँ पर बैठाए हुए हो, 24 घंटे होने वाले हैं, कब मुझे दिलाओगे बाइक? हर्षित, अभी 24 घंटे होने में बहुत वक्त है, और तू एक घंटे में बोर हो गया, तूने किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। तू एक घंटे से बोर हो रहा था जब, तब मैं उस बच्चे की ओर देख रहा था। देख रहा उस बच्चे को? वो बच्चा बेचारा पिछले एक घंटे से गाड़ियां साफ कर रहा है। वो गाड़ियां साफ करना उसका कोई शौक नहीं है, उसकी मजबूरी है। क्या होता है ना, कई बार इंसान की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने शौक पूरे कर सके, पढ़ सके। पढ़ने की इस उम्र में बच्चा गाड़ियों की धूल साफ कर रहा है, जिसकी वजह से उसके भविष्य पर कहीं ना कहीं कोई धूल जम रही है। क्योंकि इस उम्र में अगर वो पढ़ लेता, लिख लेता, तो उसकी जिंदगी बन जाती। लेकिन उस बच्चे ने अभी भी हार नहीं मानी है। उस बच्चे की खूबी बताऊं क्या है? उस बच्चे की खूबी ये है कि वो दिन में तो गाड़ियों की धूल साफ करता है, और रात को अपने भविष्य पर जो उसके धूल लगी है उसको साफ करता है पढ़ाई करके। इससे क्या होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। हर्षित, क्या होता है ना, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कमियां होती नहीं है, हम उन्हें कमियां बना लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा चीजें झेल रहे होते हैं, लेकिन वो कभी महसूस नहीं होने देते कि उनकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है। हर किसी को अपना दर्द बड़ा लगता है, लेकिन सच बताऊं हर्षित, इंसान वही कामयाब होता है जो दर्द से आगे निकल के कामयाबी को छुए। समझा तू? चला, अब तेरे को मिलाना है एक ऐसे शख्स से जिससे तू रोज मिलता है और उसी को उल्टा बोलता है। ले चलता हूं तुझे उसके पास, आ जा। हर्षित, अब देख उस इंसान को। अरे, ये तो मेरे पापा है, इनके पास क्यों ले आए? इनको तो रोज देखता हूं मैं। इनको तू रोज देखता है, लेकिन जो ये मेहनत तेरे लिए करते हैं उस मेहनत को तू कभी नहीं देखता। तेरे को पता है अपने जवानी के दिनों में ये इंसान अपने ही घमंड में चलता होगा, इसका एक रुतबा होगा, ये किसी के आगे झुकता नहीं होगा। लेकिन आज जब ये बड़ा हो गया है तो अपने बच्चे की खातिर, अपने बच्चे के भविष्य की खातिर, ये इंसान जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, एक इंसान को सलाम कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इसे अपने बच्चे की चिंता है, इसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। ये बड़ा मनमौजी हुआ करता था अपने बचपन में, इसे खाना अपने बेड पर चाहिए होता था, हाथों में कपड़े चाहिए होते थे प्रेस हुए, लेकिन आज खुद अपने कपड़े प्रेस करता है, खाना बना के तुझे खिलाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। ये वो इंसान है जिसे कभी अपने कपड़े प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, हाथ में प्रेस किए हुए कपड़े आ जाते थे। लेकिन आज जब इसके पास अपने बच्चे की जिम्मेदारी है, तो ये खुद के कपड़े तो प्रेस करता ही करता है, अपने बच्चे के कपड़े भी खुद ही प्रेस करता है। पता है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये इंसान चाहता तो तेरी पढ़ाई छुड़वा के तेरे को किसी काम पर लगवा देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि इसका बच्चा पूरे संसार में नाम कमाए, इज्जत कमाए। हर्षित, कई बार बताऊं क्या होता है, हमारे पास जो चीज होती है हमें उसकी अहमियत पता ही नहीं होती है। अब एक बार उस चेहरे की ओर ध्यान से देख, ये चेहरा ना हल्का सा मुरझाया हुआ है, इसमें थोड़ी सी टेंशन है कि इसका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, क्या इसका बच्चा सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस इंसान के चेहरे की मायूसी साफ साफ बता रही है कि इसे अब खुद की चिंता नहीं है, बल्कि अपने बच्चे की चिंता है। छोड़ अर्षित, मेरा काम तो यहीं तक था, अब मेरे को तेरे 24 घंटे भी नहीं चाहिए। अब तू मुझे बता, तेरे को कौन सी बाइक चाहिए, मैं तेरे को वो बाइक दिलाऊंगा। नहीं भैया, अब मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था,
मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मैंने ही अपने दोस्तों की बातों में आके पिताजी से जिद कर दी। उनको समझा ही नहीं कि वो जो भी कर रहे हैं सब मेरे लिए ही कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हर्षित, माफी मुझसे नहीं मांगनी है। जिस दिल को तूने दुखाया है, मिल ले उनके गले और मिटा दे उनके दुख को। पिताजी, अरे क्या हो गया बेटा? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोला। मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए पिताजी। अरे बेटा तू माफी मत मांग। जब बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है ना, तो वो पैर नहीं छूते, वो गले लगते हैं। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज होता है। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बेसिकली ये ऐसा केस होता है, इस वक्त माँ बाप की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं जब वो औलाद के मुंह से सुनते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्योंकि एक माँ बाप ना अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खुद आधा पेट रहते हैं, बल्कि बच्चे को पूरा पेट रखते हैं, मतलब पूरा खाना खिलाते हैं। तो यही चीज है, हम यही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी इज्जत करें। और आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के मैसेज को आगे फैलाएं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।